बचाने का दम है। सुप्रभात, आज मैं दिव्या कक्षा 9वीं लड़की छात्रा लड़का लड़की समान विषय पर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। हमारे समाज में लड़का लड़की को समान अधिकार दिए गए हैं। आज हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ती जा रही हैं। हमारे देश की महिलाएं जैसे सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल आदि कई महिलाओं ने देश में आगे बढ़कर सहयोग किया। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि आज बेटों से बढ़कर बेटियां हैं। बेटा सिर्फ एक घर का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन बेटियां दो घरों का नाम रोशन करती है। प्राचीन इतिहास में भी बहुत बड़ी बड़ी वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जैसे रानी पद्मावती, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फूले आदि। आज हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज लड़कियां किसी पर निर्भर नहीं है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस विषय के भी दो पहलू हैं। अब मैं आप सभी के समक्ष विपक्ष में अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। लैंगिक भेदभाव का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है। हमारे देश में नारियों को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है और उनका शोषण और अपमान किया जाता है। लड़का लड़की में भेद का प्रमुख कारण है समाज के लोगों की संकीर्ण विचारधारा। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च करना लोग पैसे की बर्बादी समझते हैं। लड़कों को वंश चलाने वाला समझा जाता है, परंतु लड़कियों को ऐसा नहीं सोचा जाता। लड़कियों के जन्म लेने पर दुख मनाया जाता है, लेकिन लड़कों के जन्म लेने पर खुशियां मनाई जाती हैं। हमारे समाज में जाने कितनी ही लड़कियां माँ के पेट में मार दी जाती हैं। भारत में श्राद्ध और पिंड दान का अधिकार भी सिर्फ पुत्रों को ही प्राप्त है। यथर्व वेद के अनुसार स्त्रियों को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्ध होने पर बेटे के अधीन रहना चाहिए। जो लड़कियां पढ़ाई में समझदार हैं, वे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती। वर्तमान युग में सरकार द्वारा किए गए ऐसे कई कार्य हैं, जिससे लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके, परंतु ये सभी कार्य विफल हैं, जब तक हम अपनी भागीदारी ना दें। कोविड-19 के प्रकोप के बाद भी अग्रिम दल के पंक्ति के लोगों की रिपोर्टों से पता चलता है कि लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ की गई हिंसा, विशेष रूप से घरेलू हिंसा, बहुत अधिक हो गई है। सोचती हूँ क्या कभी वो दिन आएगा जैसे बुराई पर अच्छाई की विजय पे खुशी में दशहरा मनाया जाता है, उसी प्रकार पितृसत्ता पर लैंगिक समानता का भी कोई दिन मनाया जाएगा। हमारे समाज में जाने कितनी ही लड़कियों को पिता की संपत्ति में हकदार नहीं माना जाता। अगर हमें लैंगिक भेदभाव को मिटाना है तो पहले समाज की रूढ़िवादी सोच को मिटाना होगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।